हेलो जी, दिस साजिद कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। जी भाईजान साहब बात कर रहा साजिद साबरी हूँ। जी भाई, देवबंदी मसले से ताल्लुक रखते हैं ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जसीम अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाएं जनाब। क्या फरमा रहे थे? मैं ये मालूम करना चाह रहा था आपसे, आपका कुछ क्लिप सुना था मैंने, अब वो तो मुझे याद नहीं है क्या नाम है क्लिप का। मेरे भाई, मेरे से इतना ही कहना था कि कोई भी बंदा हो, अगर कोई बंदा मुसलमान बनना चाहे, आपस की नाइतफाकी, आपस की वो उसके बारे में बोलता है, देवबंदी बरेली के बारे में बोलता है, बरेली देवबंदी के बारे में बोलता है ना, इस पर बोलते हुए अल्लाह उसके रसूल के बारे में तबलीग करे या शरीयत के बारे में गुफ्तगू करें या कुरान हदीस की रोशनी में बयान करें, वो ज़्यादा बेहतर है। इससे जी जी इससे क्या होता है, इससे आदमी बजन हो जाता है, क्योंकि ये तो अपनों के ही नहीं है भाई। मानने की बात है, मिसाल के तौर पर कुरान के हाफिज कुरान आप भी होंगे और दूसरे लोग भी होंगे, माशाल्लाह अल्लाह सबको नहीं, हिदायत दे, मैं तो आप मुस्तकिल। हाफिज कुरान नहीं हूँ। मैं अच्छा अच्छा एक माशाल्लाह, तो आलिम आप दीन हूँ। अच्छा, विदाउट हाफिज कुरान के आप आलिम है। जी। चलो जो भी है भाई, आप आलिम तो है माशाल्लाह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं, ना हमें कोई गुरेज है इस चीज़ से। मेरे से मकसद ये होता है कि एक ये जो यूट्यूब पे एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ये तरीका गलत है भाई। कोई भी मसलक का हो, अगर बरेली मसलक का है, वो अपने मसाइल की, अपने मसलक की, जो आला हज़रत साहब का जो मसलक है उसके फजाइल बयान करे, फजाइल से मुराद उसकी अच्छाई बयान करे, हमें से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उससे क्या होता है, अगर कोई मुसलमान, अभी मेरे एक एक कमेंट आया था, वो यार तुम लोग ऐसे हो कि तुम्हारे में अंदर 73, मगर भाई वो तो बनने हैं, बनने 73 फिर, तो मगर एक फिर जन्नत में जाना है, 72 तो जानने में जाने जाने हैं, जी बिल्कुल, तो उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम का फरमान मौजूद है। जी। देखिए साजिद साबिर साहब, मुझे आपसे दुश्मनी भी नहीं है ना आप मुझे देखते हो, लेकिन ना देवबंदी ना हजरात के अकाइद जो है ना, कुछ मखसूस अकाइद हैं अच्छा, जिसके बिना पर हम लोग इख्तलाफ करते हैं उनसे। जैसे कभी मेरे भाई आप हमारे बाप माँ को कोई गाली दे देता है, गाली दे, रात दिन गाली दे, तो हम उससे बात कलाम, सलाम कलाम कभी नहीं करेंगे, ना उसका घर भी नहीं जाएंगे हम। मेरा आपसे एक सवाल है भाई, जी आपने उलमाए देवबंदी की किताब पढ़ी, ठीक है, जी जी जो भी उनके बकौल आप लोगों के तहजीर उन्नास है, समझे नहीं, मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह की। अब मैं आपसे दो चीजें कहता हूँ, मेरी बात पे ध्यान रखना। आला हजरत साहब की कुछ किताबें हैं, उनका मुताला करना, किताब का हवाला मैं दे रहा हूँ, अत्तामतुल बिल्कुल कुबरा अल जी। अमनु वल उला, अत्तामतुल कुबरा अल अमनु वल उला फतवा अफ्रीका, ये आला हजरत साहब की लिखी हुई किताब है खुद की। अच्छा भाई, जी जी इनका ही जी मुताला कर लीजिएगा, इनके अंदर क्या क्या चीजें उन्होंने लिख रखी है। हम किसी को बुरा नहीं कहते, देखो भाई जो इंसान अल्लाह से मिल गया वो तो अल्लाह ही जानता कौन जन्नती कौन जहन्नमी, ना तो आपके पास सर्टिफिकेट ना मेरे पास, मेरे पास खुद का सर्टिफिकेट नहीं है कि मेरा ईमान पर खात्मा होगा नहीं होगा, लेकिन यह कि अल्लाह पे यकीन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात इंशाल्लाह नसीब होगी, इस पे यकीन है हमारा, इसी के बिना पर दुनिया में अल्लाह ने भेजा है। मेरे बस मकसद सिर्फ ये कहने का है, देखो बड़ों की बात बड़ा जाने, अब तो इत्तेहाद इत्तफाक और तुम्हारा मेल मिलाप, ताकि लोग वैसे दुश्मन बने हुए हैं मुसलमानों के, जगह जगह पे दाढ़ी वाल। देखिए देखिए साजिद साबिर साहब, मैं गौर से सुनिएगा, आपकी बात जैसे मैं सुना उस तरह से, इन जी लोग देवबंदी हो या शिया हो या कादियानी हो, जी हम इनसे इत्तेफाक तभी कर सकते हैं जब अल्लाह और रसूल को गालियां देना, गुस्ताखियां करना बंद करें, और अरे उन मेरे भाई किताबों को जो आपका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुली खुली गुस्ताखी हो, और अल्लाह तबारक व ताला की शान में सरीह गुस्ताखी किया हो, मसलन अल्लाह झूठ बोल सकता है, बल्कि रशीद कौन अहमद सी किताब, कौन सी गंगू किताब में अल्लाह झूठ बोलता है, कौन सी किताब है, वो बताऊंगा, मैं आपको हवाला दे दूंगा अभी बताओ आपको। ना। यूँ तो सुनो सुनो, यूँ तो मैं हवाला में भी दे देता हूँ आपको, यूँ तो मैं जी भी कह दूंगा आला हजरत साहब ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी करी, सब फतवा फरीका में मैं कहने लगू, एक सवाल है, नहीं, आप जाके अगर चेक कर लेना। कहेंगे तो वो इबारत पढ़ने के लिए बोलूंगा मैं, अगर कहोगे तो वो इबारत तो पढ़िए ताकि मैं उसका जवाब दूंगा, क्या मैं मतलब है आप उसका, हाँ उसमें मैं जवाब मतलब दूंगा तमाम। यानी कि तुम्हारा, तो सुनो मेरे भाई, अगर तुम्हारे आला हजरत साहब गुस्ताखी करे तो वो आप उसी तरजीह आप करेंगे, नहीं यूँ नहीं हूँ, यूँ नहीं हूँ,
और अगर नहीं, हमारे हम से लोग कोई इससे खुश आला हुआ, हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिजवान हमारे मुजद्दिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपके उसे भाई आपके सीधे लिए तो रास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम अल्लाह सिखाया और इस्लाम बिल्कुल। को उजागर किया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने हाँ उन्हीं के नहीं, उन्हीं उन्हीं के आने से इस्लाम उजागर हुआ, इससे हर पहले 100 साल में मुजद्दिद आते सुनिए हैं और जो बिगाड़ पैदा कर दिया था देवबंदी हजरत ना, अल्लाह का यानी झूठ के बोलना। सुनो सुनो सुनो, जी यानी के आला हजरत साहब आपके ये यानी कि इन्होंने भी इस्लाम की सही तबलीग नहीं की, क्या नाम तुम्हारा, हाजी इमदादुल्ला मक्की रहमतुल्लाह अली ने, यानी वो कि उनसे हाजी उनसे भी बड़े हैं। इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्ला अलैह से यार देवबंदी क्या बात हजरत करते हो, इख्तलाफ किए हैं। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं मेरे भाई, हाँ, मैं बोलने इख्तलाफ है, वाले मैं बता दूंगा आपको। आपको अरे ना, आपके आपकी आप तरफ से क्या होता है, आपके किताबों में कहने से लिखी क्या हुई है होता यार, है। मैं किताब किताबों के बताओ हवाले ना, से बात करता हूँ। किताब किताब का हवाला दो मेरे भाई जान, किताब का हवाला दो, बताओ अच्छा, कहाँ लिखी हुई, आपका बताओ अकीदा, अकीदा मैं साबरी साहब, आपका अकीदा ये है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है? आप अकीदा रखते हो, मैं तो उसको काफिर बोलता हूँ भाई, काफिर जो बोलते ये हैं? अकीदा का ये हाँ का, अकीदा रशीद अहमद गंगोही गढ़ा है। और किताब दूसरे दो ना, बात, हवाला रसूल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब, की इल्म को बच्चों और पागलों और जानवरों जैसा समझते हैं, ये भी काफिर वाला है सल्लल्लाहु ये थानवी साहब लिखते हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या को फजीलत बस नबी वो जी, आखिरु जमा मानना अहले फहम का अकीदा नहीं, यानी अकलमंदों का क्या चीज, अकीदा नहीं, इसमें उसकी कोई फजीलत नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी मबऊस होना मुमकिन मानते हैं? क्या कि कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ अल्लाह सकता है के, मानते हैं? सुनो, अल्लाह के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ठीक है, जी, कोई नबी इस दुनिया में आपके बाद नहीं आ सकता, ये ईमान है हमारा। और जिस और किताब का आप, सुनो सुनो, जिस किताब का आप हवाला दे रहे हो, तहजीब नाज, अगर टू कॉपी जो उलमाए देवबंद की किताब है उससे, तुम्हारा कुतुब से, अगर आप वही कुतुब से दिखा, तो मैं जी, करूंगा, देखिएगा, मैं ये आपको गुलाम इबारत ही लिखे करूंगा। हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई अरे हम भाई मौलवी परस्त ना बने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मेरे रहें, भाई, अल्लाह सुनो की सुनो, मोहब्बत काम देगी, मेरे कोई भाई, मौलवी काम नहीं देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, यूं तो आप किसी पर भी कोई चीज थोप सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मौलाना रशी मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह, किताब का हवाला दीजिए मुझे आप, अल्लाह झूठ देखिए बोल देखिए, सकता है, दिखाओ मैं किताब का बता रहा हवाला हूँ, ये बोल, अभी उसमें चले गए, अभी ये खातमुन नबीन की बात रही, ये मुझे इबारत पहले भी ताजीरुन सुनो नास सुनो मेरे हाथ सुनो में है। देखिएगा, 2 लाइन सिर्फ पढ़ लिखे हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। नबी अभी आखिरु जमा का खातिमुन नबीन होना आवाम का ख्याल है, ना कि अहले फहम का। अहले फहम के नजदीक तकदम व ताखुर जमानी में बिज़ात कोई फजीलत नहीं, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में या बाद जमाने नबी अगर कोई नबी जदीद मबूस हो तो खातमियती मोहम्मदी में फर्क ना आएगा। तहजीरुन्नास सफा नंबर 5, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा अकीदा रखने वाला खुला काफिर है। अरे मेरे भाई, ये आपके आला हजरत साहब ने, आप सुन लीजिएगा, आप जो आपने हवाला दिया ना, एक 28 का है, एक 3 का है, एक 14 का है, ये उठा के एक खिचड़ी बना दी। अब सुनो, अब जनाब सुनो, साबरी साहब, अब सुनो जहाँ मेरी बात की को, सुनो, अब तीनों सुनो मेरे, इबारत जो हुसामुल हरमैन में है ना, तीनों जी इबारत जी अलग अलग जो है, तीनों ही सरीह गुस्ताखी है। आप तीनों इबारत कुफ्र ही है, तीनों इबारत, अच्छा, कोई बच यानी ही नहीं के सकता। सुनो सुनो मैं क्या बोलो, अगर कुरान से आप उठा लीजिएगा, आप या यूह लदीर आमनू ला तकरबू सलाता, यूं कह दोगे भाई नमाज ना पढ़ो, तो आप कसम खाओ कुरान की, हम भी कहेंगे हाँ भाई, सुन लो पहले मेरी बात को, जैसे मैंने आपकी बात को सुनी है यार, अब भी लास्ट में आप वन तुम सुगारा छोड़ दो, तो ये बतलाओ, अगर कोई काफिर भी इसकी कसम खाएगा कि हाँ भाई अल्लाह मना कर रहा है नमाज पढ़ने को, तो क्या कहना माजल्ला, क्या अल्लाह ने मना किया नमाज पढ़ा, माजल्ला, आपके गलत, देखिए मौलवी लोग कैसे पढ़ा दिया है, या आधी अरे आधी इबारत उठा के पेश किया है, लेकिन पूरी बात मुकम्मल हो जाती है, एक जगह में यार, पूरी बात अरे मेरे मुकम्मल हो ये जाती है, सुनो, पूरी बात अरे तीनों मेरे ही भाई, सदी मेरे, गुस्ताखी है जनाब। अरे आपको मेरे मैं मेरी जान, तहजीरुन्नास में बात करूंगा, लेकिन मेरी शॉर्टकट में जान, बात मेरी करूंगा मैं सुनो, आपसे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, किताब का नाम है फतवा अफ्रीका, ठीक है, और जी चैप्टर नंबर है 114, 114 आला हजरत साहब लिखते हैं,
शाहबुल कादरी जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में कि माजल्ला 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 कि जब तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, मेरे जहन से निकला कि किताब मेरे पास नहीं है, काफी टाइम होगा पढ़े हुए, ठीक है, नहीं इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, भूल इंसान नहीं है देखिएगा, उसमें अच्छी मेरे। तरह मुताला जब हो तब बात कीजिएगा, अपने तरफ से कुछ गलत बोल दीजिएगा ना, झूठ ना बोलेंगे गलत तो नहीं, गलत नहीं बोल वो सकता मैं, इसलिए अच्छी मैं बोल रहा बात हूँ ना, नहीं क्योंकि है। हमारा क्या काम है, सुन लीजिए आप, मेरा मकसद सिर्फ आपसे कोई मुनाजा नहीं करना, आपसे कोई तो सिर्फ एक ऐसी गुफ्तगू, ठीक है भाई, ऐसे जी, मैं एक आले दूसरे फार्म के के ऊपर वास्ते आप ना फोन किए हैं, बड़ी खुशी हुई मुझे। नहीं, मेरा मकसद सिर्फ ये कहने का, एक दूसरे पे ना तरजीह वो तलकिन कर ना किया जाए, एक दूसरे को ना बोला जाए, अपने मजहब की अपने मसलक की खूब वो करो, कौन मना करता भाई, आला हजरत साहब का मसलक है उस पर बोलो दबा के, भाई आला हजरत साहब इस चीज को बोला है, इस चीज को मना किया, देखिए, क्यों हम तो अपने ईमान व अकायद को खुले डंके की चोट में बयान करते हैं, लेकिन अच्छा देवबंदी एक हजरात सवाल, ना, एक आप, मैं सवाल पूछता एक हूँ आपसे, एक एक सौ एक सवाल मैं मौलाना मेरे पूछता आपसे, हूँ, ज्यादा बात आपसे नहीं मौलाना करेंगे। नहीं सुनो, आपसे मौलाना मेरा एक सवाल है, ये है, अल्लाहुम्मा तेरे मेरे जहन से निकल गया, दोषे पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो तुम्हारा, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम, को अल्लाह ने जो तुम्हारा आप आपके यहाँ आपके उलमा किराम जितने भी आला हजरत साहब को फॉलो करने वाले हैं, उनके मसलक पर चलने वाले हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाजिर और नाजिर अच्छा मानते हैं, अच्छा किस तरह अच्छा एक मानते हैं उसमें हाँ ये मैं बताइए बताऊंगा, बताइए, हाँ बताइए आप, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। हाँ बताइए अभी बताइए ना, ये तो छोटी सी मिसाल है, छोटी सी बात है, हाजिर नाजिर की कोई इतनी बड़ी बात है, देखिए, तहजीरुन्नास बताइए ही मैं मुझे, ये बताइए हाजिर, मैं उसको छोड़ दीजिए, आप उसी मुझे को इसमें बता रहा एक हूँ, आपके वो, अकाबिर के घर के मैं बता दूंगा, नहीं, मुझे तो नबी आप हाजिर नाजिर के बारे में बताइए ना। बता वही बता रहा हूँ, तहजीरुन्नास में अरे देखिएगा, वो तहजीब अन नबी अवला बिल मोमिनीन अनफुसहिम, लिखे वो आयत कुरान की आयत बयान करके कहे हैं कि नाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिम नानतू लिखते हैं कि मेरे जान से भी ज्यादा करीब है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आयत लिख करके ये भाई समझा रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु मुझे अलैहि आप वसल्लम, सुनो आप सुनो हाजिर सुनो व नाजिर को सुनो क्या सुनो मानते हो, शिर्क सुनो, मानते हो? सुनो मगर आपकी नज़र में तो मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अली काफिर हैं, आप उनकी दलील क्यों, अपनी मतलब से दलील दे दो नहीं, आप आपके घर से ही भाई, जवाब यार दूंगा, अपने घर की बात पहले भाई मान लीजिए ना। भाई मैं, तुमने तो शो उनको उनको काफिर मान लिया, वो काफिर ही आपने तो है उनको तो काफिर, आपके लिए बड़ी दलील है ना। अब नहीं, रही मेरे बात लिए साबरी मैं तो आपके मतलब साहब, से ले रहा हूँ ना, मैं तो साबरी साहब, आपके मसल आला हजरत से ले रहा हूँ ना, आप मुझे आला मैं हजरत से दीजिएगा आप। मजीद आपको इसमें हाजिर और नाजिर के गलत फहमियां आपकी दूर कर दूंगा, लेकिन आप हाँ नहीं, अच्छा अच्छा ये मुझे बताइए, आपके आपके पास ये जवाब नहीं बना भी, हाजिर नाजिर का आप मुझे हाजिर नाजिर का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह दीजिएगा, बहुत सारी बात दलाइल है, मैं दूंगा कुरान और दीजिए ना, हदीस के दीजिए तो रोशनी में दीजिए दलाइल भी ना, दूंगा और हाँ आपके तो घर से भी, दीजिएगा मतलब दीजिएगा मेरे एक भाई बात दीजिए, को आप इनकार कर दिए, यानी हाजिर और क्या, नाजिर को आप हाँ क्या समझते हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और सल्लल्लाहु नाजिर मानते हैं उसके लिए क्या भाई, समझते हैं, आपका कुफ्र मैं समझते हैं? सुनो, मेरा तो ईमान के ऊपर है, आप सुन लीजिए, जी मेरा तो ये ईमान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अतहर के अंदर हयात हैं, जिंदा हैं, ठीक है, जी अपनी कब्र अतहर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं, और मेरा इस पे ईमान है, और मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद हैं, आप अपने कब्र अतहर के अंदर, ठीक है, इसके जी अलावा अगर हम यहाँ से दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारा दरूद जो है वो फरिश्तों के द्वारा पहुँचा दिया जाता है, दूसरी बात अगर हम खाना का मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाते, ये हम जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम खड़े होकर जब दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरूद शरीफ को सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, इसका ये तो मेरा ईमान है, ठीक है देखिए साबरी साहब, जी ये भाई, आप कह रहे हैं कि खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ेंगे वहां पर, तो कहाँ तकवीतुल ईमान में किसी चीज का अदब करना, गैरुल्लाह के अदब करने के लिए खड़े होना, कयाम करना,
शिर्क का फतवा लगाए हैं, तो इस हिसाब से तो आप मुशरिक हो जाएंगे। बहरहाल मैं इसमें आपको तो भी तफसील आपको जवाब दूंगा, लेकिन ये बताइए, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, इधर उधर अभी नहीं करूंगा मैं, आप इधर मसले दो ना मुझे भाई। नहीं, मैं हमारे आला हजरत इमाम रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान नमाश एक अजीम मोटी किताब लिख दिए हैं, उसमें मैं आपको पूरे दलाइल दूंगा, आपके घर के पहले भी मान लीजिए। आप मसलन मैं एक मरतबा तहज्जुद नाश का मैं पेश किया तो उसको ठोकरा दिया आप, लेकिन मैं उसको नहीं मानूंगा। साबरी साहब आप मत मानिए, अपने घर की किताब झूठ मान रखा है, झूठ बोला है ना आला हजरत ने, वो तो झूठ बोला आला हजरत ने। जो ताजीर उन्नास अपनी तब से खिचड़ी बनाई ना, वो तो हमारा ईमान है। ताजीर उन्नास में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर माना है, तो वो गलत है ना, काफी नानासी तो इससे कुफ्र साबित होता है। बहरहाल हाजिर है भाई, हाजिर है, मौजूद है, उसको माने करने की हर जगह नहीं है। आप भी कह रहे हैं कि हाजिर है और हाजिर नाजिर देवबंदी अकायद में आप अगर बोलेंगे तो वो लोग जूते मारेंगे आप लोग को, आपको मुझे क्यों। बहरहाल बहरहाल आप देवबंदी अकायद से बिल्कुल ना वाकिफ है आप। नहीं, 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 मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं बता तो रहा हूँ आपको, अल्लाह मैंने आपको बोला ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हैं मदीना मुनव्वरा अपने कब्र थरक के अंदर, हर जगह नहीं है, नाजिर है पूरी दुनिया में। जी पूरी दुनिया पे नाजिर हैं, वहीं पर हैं, आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं, हदीस मौजूद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाए हैं कि मैं पूरी दुनिया मेरे हथेली के तरह है, यानी पूरी दुनिया को सिमट दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, अब जहाँ वो मर्जी क्या है, जहाँ आ जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है आने जाने में। अब जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने ख्वाब में देखा तो फरमाते हैं मुझे ही देखा शैतान, मेरी शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता है। हकीकत किसको किसको दुनिया में जिसको चाहे वो उसको दिखा सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल मैं ये पूछता हूँ आप किसके दीन पे कायम हो, दीन कौन कायम किया है, दीन इस्लाम कौन कायम किया है, दीन इस्लाम हमारे इस्लाम धर्म को इस्लाम मजहब को किसने बनाया, किसने कायम किया है भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपको नबुवत मिली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब दिए। अब अगर कोई कहे ये कहे कि मैंने दीन इस्लाम कायम किया है तो वो क्या है ये, कोई कहे कोई आज अगर कोई आदमी इस चीज को कहे ये मेरी नसीहत है, मेरा आला हजरत की किताब है, आला हजरत के मलफूजात मजार तुम्हारा क्या है वो ग्यारहवीं शरीफ वगैरह आप लोग जो मनाते हो, जो ग्यारहवा शरीफ जो आप मनाते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह ग्यारहवा शरीफ, हाँ जो ग्यारहवीं शरीफ आप थीजा वगैरह चालीसवा वगैरह मेरे जहन में नहीं है वो अल्फाज, क्योंकि मैं घर पे हूँ अभी, क्योंकि मैं अलील था इसकी वजह से ना, तो किताब मेरे पास अभी, तो मैं आपको से जबानी गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिस रोज मेरे मैं मदरसे में पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह उस दिन मैं आपको हवाला भी दे दूंगा। आप आलिम हैं? नहीं मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ भाईजान। तब मदरसे में पहुँचेंगे तो जवाब देंगे, क्या मदरसे में क्या करेंगे, जाकर के मदरसे में जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 6 मदरसे चल रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। देख लीजिए आप इल्म शख्सियत लगते हैं, बहरहाल मैंने आपने कहा एक कलिया शरीफ में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक चल रहा है तुम्हारा दिल्ली तुम्हारा ये अम्बुवाला में, दो चल रहे मुगलपुर में अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद सिर्फ हमारा किसी को नीचा दिखाना नहीं है, और किसी को नीचा दिखाने के लिए गर्व से मैं बात नहीं करता हूँ, मैं इस्लाही बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि समझे। साबिर देवबंदी साहब आपकी मैं बात सुनता हूँ, मेरी बात पूरी मुकम्मल हो जाने के बाद आप गुफ्तगू कीजिए, आपकी जो बातें हैं उसको सुनूंगा जो सुनने लायक होंगी। आपकी बात सुनो सुनो मेरी बात को सुनो, आपने ये बात बोली मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह काफिर हैं, ठीक है, ताजीर उन्नास के मुताबिक से किताब से, ठीक है आपकी नज़र में, मेरी नज़र में तो वो क्या नाम बोली हैं। अच्छा जब आपकी नज़र में वो ईमान में ईमान से खारिज हो गए, आप उनका हवाला ना दें, अपना हवाला दें आला हजरत साहब का, तब मानेंगे हम आपकी बात को। अब हवाला है आप खामोश हैं, बहरहाल मेरी बात को सुन लें उसके बाद आप बोलिएगा, बीच में खलल मत कीजिएगा। जी जी आपने साबिर देवबंदी साहब नमाज भी तैयार है, नमाज नमाज जी जी आप साबिर देवबंदी साहब, साबिर देवबंदी साहब आपने कहा कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन कायम किया है
है ना, लेकिन हमारे अकाबिर हजरत गंगोही और हजरत नानुतवी ने जो दीन कायम किया था उसको मजबूती से थाम लो। अब कासिम और रशीद पैदा होने से रहे, बस उनकी इत्तेबा में लग जाओ। क्या करें, सोहबते बाउलिया सफा नंबर 172 में तोहफे कादियाने के में दूसरी दूसरी किताबों में मौजूद है। तो बताइए कि गंगोही और नानुतवी, सोहबते बाउलिया सफा नंबर 72 172 सोहबते बाउलिया किताब का नाम है, सफा नंबर 172। इसको लिखा है शेखुल हदीस मौलाना जकरिया कांधलवी, लिखा हुआ है, आगे लिखा है रहमतुल्लाह अलैह, है ना। तो बताइए बताइए गंगोही और नानुतवी ये दीन को कायम किया है माशाल्लाह रब्बिल आलमीन, और उन्हीं की इत्तबा में लग जाओ कह रहे हैं। क्या उनकी इत्तबा करोगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान में आयत मौजूद है कि अल्लाह और उसकी रसूल की इत्तबा करो, उसकी इत्तबा में तुमको कामयाबी होगी, है ना। लेकिन ये कासिम और नानुतवी के इत्तबा करके जहन्नम ले जाना चाह रहे हो, जो गुस्ताखी की है। हम तो ये चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा हशर मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना शल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप यानी हकीकत को यानी हकीकत यानी कबूल करना पसंद नहीं कर रहे हो, हक मैं बोलूं? अरे ना? मेरे भाई, अरे मेरे प्यारे जो आला हजरत साहब ने गड़बड़ी जो चोरी की थी ना मेरे भाई, देखिए आप सुनो, अब तक मैं आपकी बात सुन रहा था, मेरी आंखों में कानों में घटा टोप जो पर्दा छाए हूँ उसको हक्कानियत उसको उठाइए और शख्सियत परस्ती से नहीं देखिए, आप खुद बचिए, आप खुद बचिए और अपने अयाल को जहन्नम की आग से बचाइए। मैं आपको बता तो रहा हूँ, आला हजरत साहब ने जो अपनी जो खाना काबा के अंदर गए थे, मुझे आप ये बता दीजिएगा, जो खाना काबा के अंदर गए थे और इमाम जो उस वक्त के तुम्हारा इश्ताक बड़े मुफ्ती थे उस वक्त के 1906 वाला, वो तो पूरे पूरे सुनियों की वहाँ पर हुकूमत थी। अब नहीं है अब तो नजदीकों, अच्छा, बताओ तो माजर जो नजदीकों के है, अभी हुकूमत नजदीक है ना, एक मिनट, अच्छा, अभी नजदीक तो हुकूमत है ना, ये सऊदी सऊदी अरब ना, माज अल्लाह के अल्लाह इतना कमजोर हो गया, ये बहाना नहीं, पहले भी देखिएगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले शिया की हुकूमत थी, उससे कौन काफिर लोग हुकूमत करते थे, तो अल्लाह कमजोर था उस वक्त, माज अल्लाह रबी। आप लोग कैसे समझते हो दीन को यार, अफसोस लगता है मुझे। वहाँ पर अभी नजदीक हुकूमत है, बहुत जल्दी वहाँ पर इस्लाम हुकूमत आ जाएगा। भाई आला हजरत के चाहने वालों, आप लोगों का दिमाग जो है ना हलवा की तरी से खराब हो चुका। कौन मौलवी आपको पढ़ाता है, इस तरह दर्श देता है जी, हक कबूल करने की आपको अंदर सलाहियत नहीं है? जिस तरह शियाओं को जी जिस तरह शियाओं को साहबा के बोस ने खा लिया ना, ये तो रशीद अहमद गंगोही के अगर फतवा पढ़े रहते तो शिया को आप बुरा नहीं कहते, वो कहते हैं तमाम सहाबा को काफिर कहने से अहले सुन्नत से खराज नहीं होगा, यानी मुसलमान ही रहेगा कहते हैं। तुमने क्या बोल रहा हूँ, इसी तरह तुम लोगों के आला हजरत ने जो बोझ किया है ना हमारे उलमा देवबंद से, अरे बोझ नहीं, हकानियत बताया है, लेकिन हक समझो, तुम खुद किताब पढ़ो, उर्दू पढ़ने जानते हैं आप? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आला हजरत उर्दू पढ़ते हैं, उठाओ, अरे यार आला हजरत के मल्फूजात उठाओ, और यानी कुछ सुनना पसंद नहीं करते अपना, हक कबूल करने की, आला हजरत की और अल अमन वल उठा उठा लो, मैं तब उठा के पढ़ा हूँ, मेरे पास किताब खुद मौजूद है यार, तुम्हारे देवबंदियों की किताब भरी पड़ी हुई है, नानुतवी और गंगोही के दिन में चलो तुम लोग, तुम्हारे बरेलवियों की, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन पे चलेंगे। तुम जैसे तो भाई बिदत हो, लोगों को काफिर बना रहे हो, बस एक ही मैं काफिर नहीं बना रहा हूँ यार, काफिर जो है उसको काफिर बता रहा हूँ, जैसे कि काफिर बताना कुछ और है, बनाना कुछ और है, आला जैसे कि आला हजरत के बाप की थी माजल्ला जन्नत, कि जिसको चाहे अपने सुनियों को जन्नत में जाए, उसके बाप की थी क्या? अल्हम्दुलिल्लाह सब सुनियों ही के लिए जन्नत बनी है, समझे? रही बात, आप लोग रशीद अहमद गंगोही जो
अपने आप को नबी से बड़ा दर्जा क्यों दे दिए उनको यार। सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद की जबान से निकलता है, और कसम कहता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, मगर इस जमाने में हिदायत व निजात मौकूफ है मेरी इत्तबा पर। तज़किरा रसूल रशीद सफा नंबर 17 में जिल्द नंबर 2 में देखिए, रशीद अहमद गंगोही की इत्तबा कीजिए। नहीं है अभी आला हजरत की, मैं मौजू पे नहीं, इस मौजू पे बात करने के लिए नहीं आया था। अभी मौजू पे किताब नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए आप आला हजरत की किताब एक इबारत पढ़िए और हजार जवाब मेरे पास मौजूद है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ू जब अभी मैं मदरसे में नहीं हूँ। मैं अभी जब मैं, आप मदरसा में जाइए, आप कल जाइए, दिन में जाइए, मदरसा 10 बजे जाइए, अभी तो कल दिन में 10 बजे जाइए। ना अभी नहीं भाई, मैं 5-6 दिन के लिए आया हूँ, मेरी पथरी का दर्द था। अच्छा, 5-6 दिन के लिए के बाद, यानी एक हफ्ते का वक्त ले लीजिए मुझसे, और वहाँ पर जाइए और आला हजरत की जो जो किताबों में आपको एतराज होगा संजीदा होकर जवाब मुझसे लीजिए, मैं वेलकम करूंगा आपको। समझे, आपसे मुझे अदावत नहीं है, समझे, आपको मैं देखा नहीं हूँ, आपसे मुझे लड़ाई नहीं है, बल्कि देवबंदियत की जो गलीज अकीदा है उसको बताना मेरे ऊपर फर्ज है। नमाज तैयार है, माफी चाहता हूँ, जाइए, आपको अल्लाह ही हिदायत दे, मैंने बता दिया। ठीक है भाई।